हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा आईफोन डिवाइस है तो आईफोन डिवाइस की फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में रिमाइंडर अलर्ट टोन है तो रिमाइंडर अलर्ट टोन को आप कैसे सेट कर सकते हैं आईफोन डिवाइस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में रिमाइंडर अलर्ट टोन है तो रिमाइंडर अलर्ट टोन को आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें से जाना होगा साउंड एंड हैप्टिक्स पे। क्लिक करते ही साउंड एंड हैप्टिक्स सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ओपन हो गई है। तो ये ऑप्शन आ रहा है रिमाइंडर अलर्ट टोन्स, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारे रिमाइंडर अलर्ट टोन्स हैं यहाँ पर शो हो जाएंगी, जिसमें आप कोई भी टोन वगैरह सेट कर लेना है। सेट करते जो भी रिमाइंडर अलर्ट टोन है सेट हो जाती है। फिर यहाँ सेट करते ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसको ऑफ़ करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा तो ऑफ़ भी हो जाएगी। जैसे आप रिमाइंडर अलर्ट टोन में वाइब्रेशन सेट करना चाहते हैं तो वाइब्रेशन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, कोई भी वाइब्रेशन सेलेक्ट करके, और यहाँ से हमारे फ़ोन में सेट हो जाता है। इस तरीके से आप में कोई भी रिमाइंडर अलर्ट टोन सेट कर सकते हैं, और साथ में आप इसको जैसे आपको इसमें नहीं मिल रही रिमाइंडर अलर्ट टोन सेट करने का ऑप्शन, तो ये आपको सर्च कर लेना है रिमाइंडर, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे आप बैक करते हैं, थोड़ी बैक कर लेते हैं सॉरी, तो यहाँ पर रिमाइंडर अलर्ट के नाम से ऑप्शन आता है, जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कोई भी टोन वगैरह, और बैक करते ही रिमाइंडर अलर्ट टोन हमारे फ़ोन में सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिमाइंडर अलर्ट टोन्स को सेट कर सकते हैं अपने आईफोन डिवाइस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।